गुड मॉर्निंग बच्चों। थर्ड चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है मेलनम कुरुत, ठीक है, मिलान कीजिए। ती तो हमने बता दिया, अश्व, घोड़ा, पीका, कोयल, लता, बेल, चक्रम, पहिया, कपोतम, कबूतर, पत्रम, पत्ता, ठीक है। अब ये जो है ख क्वेश्चन, संस्कृते पंच पशु नाम पक्षी नाम च अभिधानानि वदत्, यानी कि संस्कृत में पांच पशुओं और पांच पक्षियों के नाम बताइए, ठीक है। पांच पशु और पांच पक्षी का नाम लिखना है, संस्कृत में लिखना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये गौ है, भिन्न प्रकृति पदम छिनुत, यानी भिन्न प्रकृति वाले पद चुनिए। अब इसमें देखिए, राम, देव, छात्र, मक्षिका, मक्षिका का होता है मक्खी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अलग पद कौन सा है, राम, देव, छात्र, मक्षिका, क्या है, तो मक्षिका है, ठीक है। यहाँ है मुसका, बालको, कपोता, सूका, यानी कि यहाँ पे पक्षी का नाम दिया हुआ है, तीन पक्षी का नाम है और एक बालक का है, तो मुसका, कपोता, सूका। अब ये हो गया बालको, तो यहाँ पे भिन्न पद ये है बालको। ये है लता, रमा, पत्रम, शिक्षिका, लता, रमा, शिक्षिका, ठीक है। ये तो एक हो गया, और बाकी इसमें क्या हो गया, ये जो पद है भिन्न है सबसे पत्रम। फोर नंबर है पत्रम, कमलानी, चक्रम, यंत्रम, ठीक है। तो इसमें से सबसे भिन्न पद्र ये है, ठीक है। फाइव नंबर है पत्रे, छात्रे, देव, फलम, ठीक है। तो इसमें सबसे भिन्न अलग कौन सा है, पत्रे, छात्रे, देव, क्या है, फलम, ठीक है। ये जो है उचितम अर्थम चित्वा रेखांकितम कुरुत, यानी उचित अर्थ चुनकर रेखांकित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे है अश्व, अश्व का हिंदी होता है घोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में कुत्ता, घोड़ा और हाथी, तो ये दोनों नहीं होगा, तो क्या होगा अश्व का हिंदी, घोड़ा। लता, ठीक है, लता में बेल होता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है बेल, पेड़ और पत्ता, तो क्या हो जाएगा, ये बेल। यंत्रम इस मशीन होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है पंखा, छतरी, मशीन, तो ये पंखा नहीं होगा, छतरी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मशीन, ठीक है। फोर नंबर है नारंगम, यानी कि संतरा, नारंगम का हिंदी होता संतरा, तो ऑप्शन में दिया हुआ है सेब, संतरा, केला, तो क्या हो जाएगा इसमें, संतरा, ठीक है। मयूरा, मोर, मयूरा का हिंदी होता है मोर, ऑप्शन में दिया हुआ है चिड़िया, तोता और मोर, तो ये ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो गया, और ये जो मोर है ये राइट आंसर, ठीक है। तो ये मोर हो गया आपका, फिर से इसका हिंदी में बता दे रही हूँ, अश्व का हिंदी होता है घोड़ा, लता का बेल होता है, यंत्रम इस मशीन होता है, नारंगम इस संतरा होता है, मयूरम इस मोर। ये जो अंगा क्वेश्चन नंबर है
स्वरस्य पंचमित्राणां नामानि वदत्। ये अकारांत पुलिंगस्य सन्ति, यानी कि अपने पांच मित्रों के नाम बताइए जो अकारांत पुलिंग हैं। ठीक है, जैसे सुरेश, महेश, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो आपका जो ये 3 चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। थ्री चैप्टर में क्या पढ़ना था? अकारांत नपुंसक लिंग, सब इसमें केवल नपुंसक लिंग ही पढ़ना था। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया 3 चैप्टर, इसमें कोई बाकी नहीं है। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये है प्रथम जांच पत्र, यानी कि 1 से 3 तक का, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, बुक में भी बना लीजिएगा और कॉपी में भी बना लीजिएगा। ठीक है, और है 4 चैप्टर, यानी कि धातु क्रिया चतुर्थ पाठ, धातु क्रिया परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ रूट वर्ब। ठीक है, संस्कृत भाषा का धातु शब्द क्रिया का पर्याय है। जिन शब्दों में कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना आदि। इन्हीं क्रियाओं के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहा जाता है, जैसे पठ, लिख, हंस आदि। धातुओं के रूप पुरुष के अनुसार चलते हैं। ठीक है, धातुओं के रूप पुरुष के अनुसार चलते हैं। अब है पुरुष कितने होते हैं, तो हमने आपको पहले भी बताया है पुरुष कितने होते हैं। तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लट लकार के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखने के लिए धातु के हलंत को हटाकर क्रमशः ती, अत तथा अंति प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी कि ती, तह, अंति अगर हम जोड़ देते हैं तो वो धातु का रूप हो जाता है। ठीक है, नीचे कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के रूप सचित्र समझाए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। ये हो गया क्रिया, यानी कि पढ़ना और लिखना। मूल धातु हो गया इसका पढ़ना का पठ, लिखना का लिख। इसको अगर हम तीनों वचनों में लिखते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पठ का, तो इसमें हमने क्या बताया है, यहाँ पे प्रथम पुरुष में क्या ती जोड़ देते हैं, यहाँ पे पठ है तो यहाँ पे ती अगर हम लगा देते हैं तो पठती हो जाएगा। ठीक है, द्विवचन में अत, यानी कि पठ त, यहाँ पे विसर्ग लगेगा तो ये हो गया द्विवचन। और बहुवचन में अंति, ठीक है, यानी कि पठन्ति। तो ती त अगर अंति हम एक वचन में ती, द्विवचन में त और बहुवचन में अंति जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये पठती, पठत, पठन्ति। पठती एक वचन हो गया, वह पढ़ता है। पठत यानी कि वे दो पढ़ते हैं। पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, लिखना का भी वैसा ही हो गया, लिख, इसमें भी ती, त, अंति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखती, लिखत, लिखंती। वह लिखता है, वे दो लिखते हैं, वे सब लिखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।